मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार की सुबह 4 बजे गुरु गोरखनाथ बाबा को परंपरागत तरीके से पहली खिचड़ी चढ़ाई तथा गोरखनाथ बाबा का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद नेपाल राजवंश की ओर से खिचड़ी चढ़ाई गई। तत्पश्चात नाथ योगियों साधु संतों ने खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना की तथा गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि पूरा मंदिर परिसर ढोल नगाड़ों से गूंज रहा था तथा खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ तथा अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका व आशीर्वाद लिया। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं के लिए किए व्यवस्थाओं से रूबरू हुए। Thank you.
वहाँ से गेट पर दर्शनार्थी बंधुओं से अनुरोध है अपना जूता एवं चप्पल मंदिर के मुख्य द्वार पर ही सुरक्षित स्थान पर रख करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। दर्शनार्थी मानने का अनुरोध है जैसे स्वयं सेवक आपको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। जो दर्शनार्थी बंधु यहाँ आए हुए हैं इनके मनोरथ प्रणाम प्राप्त करने के लिए स्थान बनाया गया है विभाजित स्थान पर ही मनोरथ प्रत्यार करें। धीरे धीरे आगे बढ़े। कोविड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। आपको किसी भी प्रकार की अब सुविधा Thank you.